मानसून शुरू होते ही लोगों ने पेयजल के स्रोत और पुरानी बावड़ियों की सूद लेना शुरू कर दिया है। रविवार को उदयपुर शहर से सटे बेदला पंचायत के लोगों ने श्रमदान कर पुरानी बावड़ी की सफाई की। सफाई के बाद बावड़ी का स्वरूप निखर आया। पुरानी बावड़ी की सफाई के दौरान सरपंच निर्मला प्रजापत, पूर्व सरपंच नरेश प्रजापत, उप सरपंच, वार्ड पंच सहित कई युवा मौजूद रहे। साथ ही इसमें कई महिलाओं का विशेष सहयोग रहा। आज बेदला ग्रामवासियों ने नवयुक्त मंडल के युवाओं के साथ इस जो प्राचीन गांव की बावड़ी है उसको साफ और स्वच्छ रखने के लिए ये अभियान श्रमदान छेड़ा है कि हमारे गांव की जो प्राचीन धरोहरें हैं वो साफ और स्वच्छ रहे। ये ग्राम पंचायत के नेतृत्व में है और ये सभी गांव के नवयुक्त मंडल एवं सभी युवाओं द्वारा ये सब श्रमदान किया जा रहा है। ये सभी नवयुक्त मंडल के युवाओं का हमेशा ही सहयोग रहता है। हम यही इनसे अपेक्षा करते हैं कि आगे भी ऐसा सहयोग बना रहे। कुंड बावड़ी की इसके अंदर बहुत सारी गंदगी, लोग जो आसपास से आके इसमें गंदगी डाल देते हैं तो इसको हर साल इसी तरह सफाई करवाई जाती है, श्रमदान किया जाता है। आगे भी आप सभी नवयुक्त मंडल एवं सभी युवाओं का सहयोग बना रहे, ये अच्छे कार्य हमेशा करते रहेंगे।